बहुजन समाजवाद पार्टी की अध्यक्ष मायावती का आज 68वां जन्मदिवस है। पार्टी उनके जन्मदिवस को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं जन्मदिवस के खास मौके पर मायावती ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते ही महंगाई बढ़ी है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में BSP किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव ने रंग बदला है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से सावधान रहना होगा। वहीं राम मंदिर को लेकर मायावती ने कहा कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, अभी वहां जाने का फैसला नहीं किया है। पार्टी को अयोध्या के किसी भी कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है तो, और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं।